राजेश्री रामसुंदर दास जी महंत गौसेवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन का जन्मभूमि पीरी आगमन पर भव्य स्वागत। छत्तीसगढ़ शासन के गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत रामसुंदर दास जी का हलषष्ठी व्रत के अवसर पर जन्मस्थली पिहरी प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। महंत जी गौसेवा आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद शिवरी नारायण से नवागढ़ ब्लॉक के गांव कुलबा में स्थित गौठान का मुआयना किया। गौ माता के रखरखाव उनकी उस सुव्यवस्था को देखें और अपने अधिकारियों का अवलोकन करने को कहा। तत्पश्चात मालखरौदा के ग्राम मुड़पार के निर्मित गौठान को देखें। छत्तीसगढ़ शासन की मैत्री गौठान योजना के बारे में उन्होंने कहा कि अभी गौठान सुव्यवस्थित नहीं हो पाया है और कहीं कहीं बन रहा है। यदि कहीं ऐसा गौठान सुव्यवस्थित हो जहां चारा पानी रखरखाव बाउंड्री वॉल जहां शेड बन गया हो तो मुझे बताएं, हम वहां और राशि उपलब्ध कराएंगे और गायों को व्यवस्थित कराएंगे। प्रत्येक गांव में अच्छा गौठान बने और गौ माता की सेवा करें। गौ माता विश्व की माता है, दूध सबको चाहिए लेकिन कोई पालना नहीं चाहता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय भूपेश बघेल जी को जो मुझे इतना बड़ा दायित्व सौंप कर गौ माता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने आगे कहा कि गौ सेवा आयोग की गठन कर भूपेश सरकार बहुत ही पुण्य का काम कर रही है। जो सच्चे मन से गौ माता की सेवा करेगा उसको निश्चित ही पुण्य का फल प्राप्त होगा। गौ सेवा आयोग में लावारिस शब्द को हटाने का प्रस्ताव रखे। लावारिस शब्द बहुत ही खराब शब्द है क्योंकि गौ माता को दूध बंद हो जाने के बाद गायों को छोड़ दिया जाता है, तो आप उसे घुमंतू बोल सकते हैं लेकिन लावारिस शब्द नहीं कह सकते। उक्त बातें राजेश्री महंत रामसुंदर दास जी अध्यक्ष गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन ने अपनी जन्मभूमि ग्राम पिहरी में कही। निश्चित रूप से आज हलषष्ठी का व्रत है और गौ माता का सेवा करने का दायित्व मुझे मिला हुआ है। प्रातः से ही हम लोग निकल करके शिवनारायण मठ से हम प्रस्थान किए हैं और जांजगीर जिला में दुर्पा नाम का गांव नवागढ़ विकासखंड में पड़ता है, वहां गौ माता का गौशाला संचालित है। गौशाला को गौ सेवा आयोग के द्वारा अनुदान दिया जाता है। गौ माता की वहाँ क्या कुछ स्थिति है, गौ माता किस सुविधा से वहाँ रह रहे हैं, गौ पालक लोग कैसे उनको रखते हैं, इसको हमने अपने अधिकारियों से देखा। उसके बाद फिर मुड़पार मार्ग दर विकास खंड का वहाँ भी हम लोग गए थे। इसी प्रकार से जांजगीर जिला में जो गौशालाएँ हैं वहाँ जा जाकर गौ माता का दर्शन किए हैं, उनकी स्थिति देखे हैं। जहाँ कुछ हमें लगा कि कुछ सुधार करना है वहाँ हमने सुझाव भी दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस सेवा भावना से गौशाला का संचालन कर रहे हैं, गौ माता का सेवा कर रहे हैं, उसमें उन लोगों ने उत्साह के साथ आगे कार्य करेंगे ऐसे हम लोग मानते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण यह योजना है गौठान योजना, जो प्रत्येक गाँव में बने और वह सुव्यवस्थित बने और वहाँ गौवंशियों को रखा जाए। लेकिन आप भी इस बात को देख रहे हैं कि गौठान का निर्माण अभी जहाँ जहाँ भी हुआ है वह उतना व्यवस्थित नहीं हो पाया है और गौठान में जब गौ माता रहते हैं दिन में तो उसमें कीचड़ हो जा रहा है, जिससे वो खड़े खड़े रहते हैं, बैठने आराम करने के उनके पास जगह ही नहीं है। यदि वहाँ बारिश भी हो गया तो उनके ठहरने का रुकने कहीं कोई जगह नहीं, क्यों कोई सेट बना नहीं, वो दिन में तो वो खड़े हो काट लेते हैं लेकिन यदि उनको 24 घंटे वहीं रखा जाए तो गौवंशियों को नुकसान ही होना है, क्योंकि बैठने का आराम करने के लिए कहीं कोई जगह नहीं। राज्य सरकार ये सोच है कि गौठान सुव्यवस्थित हो जाए, उसके बाद फिर गौ माता वहीं सब दिन भी रख सकते हैं। लेकिन अभी आप मुझे बताएं ऐसा कोई गौठान जहाँ ये पानी की पीने की व्यवस्था हो, जहाँ उनके खाने की व्यवस्था हो, जहाँ बाउंड्री पूरा हो गया हो और जिस स्थान में नीचे कीचड़ ना हो और ऐसा यह गौठान जहाँ शेड बन गया, इतना यदि सुव्यवस्थित कोई हो तो मुझे बताइए, वहाँ के रात्रि उठने का ही व्यवस्था हम लोग कराएंगे।